अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3A लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3B, चैप्टर नंबर 3 या एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा इस एक्सरसाइज में हमें वो बताएगा कि आपको एक बड़ा नंबर दिया गया हो तो उसके बारे में हमने कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है कि हमारा वो नंबर किसी भी छोटे नंबर पर डिवाइड हो जाए। हमें पूरे का पूरे को डिवाइड ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ हमने कोई ना कोई उसमें ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर लेनी है कि हमें पता चल जाए डिवाइड हो सकता है कि नहीं। जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पेज नंबर 45 आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आप बताएं विच फॉलोइंग नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। कौन सा नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो सकता है? बेटा, अगर जितना मर्जी बड़ा आपको नंबर दिया गया हो, अगर उसका लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो जाए या 2 पर डिवाइड हो, तो हम कहते हैं कि पूरे का पूरा नंबर ही 2 पर डिविजिबल है। या तो लास्ट वाला डिजिट 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 2 पर डिवाइड हो जाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, कहता है इसके बारे में बताएं क्या ये 2 पर डिविजिबल है कि नहीं। सिर्फ हमें ये बताना है डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल, बस हाँ या ना में जवाब देना है। देखिए, इसका लास्ट वाला नंबर ना तो 0 है और ना ही ऐसा नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो जाता है। देखिए 9 है ना, 9 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको देखिए, 1, 8, 3, 8, 6 बहुत बड़ा नंबर है, हमने लास्ट वाला डिजिट देखना है। क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये ऐसा नंबर है जो 2 पर डिवाइड होता है? जी 6, 2 पर डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, इट मींस डिविजिबल बाय 2। बस ये यस और नो में हमें जवाब देना था। ए और सी पार्ट मैंने किया, बी और डी पार्ट आप लोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि बताएं ये नंबर 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं। 2 वाला तो हमने देख लिया, क्या था 2 के लिए स्ट्रेटजी? बेटा, ऐसा नंबर जितना मर्जी बड़ा दिया गया हो, 3 पर तब डिवाइड होता है अगर वो पूरे नंबर के हर डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो वो 3 पर डिविजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ, यहाँ पर 12 दिया गया, हमें पता कि ये 3 पर डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्ट्रेटजी वो ये है, अगर इन दोनों को अलग अलग ऐड अप कर लें तो अगर तो ये 3 पर डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि ये पूरे का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड है। देखें 1 + 2 करें क्या आता है? 3, तो 3 जब 3 से डिवाइड होता है, 3 - 3। इसी तरह अगर आपके पास कोई और नंबर, लेट्स सपोज 45, क्या ये डिवाइड होता है 3 पर या नहीं? आप 4 और 5 दोनों का अलग अलग ऐड कर लें, क्या बनता है? 9, 9 3 पर डिवाइड होता है, इट मीन्स कि 45 3 पर डिविजिबल है, इज इट ओके। अब हमें नंबर दिया गया है, ये कहता है यहाँ पर मैंने एक स्पेस छोड़ी है, आपने ये बताना है स्पेस की जगह पर कौन कौन सा डिजिट लिख सकते हैं कि ये नंबर 3 पर डिवाइड हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को आपने एक्स्ट्रा वर्क में ये करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है, 5 + 8 + 9 + 0, ये चारों नंबर्स ऐड कर लिए, क्या बनता है? 9, 8, 17 + 5, 22, क्या 22 3 पर डिवाइड होता है? नहीं। तो फिर 22 में क्या क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी? मैं इसके अंदर इक्वल टू 22 में क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे ये 3 पर डिवाइड हो जाए? तो देखें 22 में मैं अगर 2 को ऐड कर दूँ तो क्या बनता है? 24, तो 24 3 पर डिवाइड होता है, जी 3 8 24, इट मीन्स यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है? 2। इसके अलावा इस 2 में 3 और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 5, 5 + 29 करें तो कितना बनता है? 27। तो देखें 27 भी 3 पर डिवाइड होता है, 3 9 27, इट मीन्स यहाँ पर 5 भी आ सकता है, 5 में 3 और ऐड कर लें क्या बन जाता है? 8, 8 + 22 कितना होता है? 30, तो 33 पर डिवाइड होता है, जी 3 10 30, इट मीन्स यहाँ पर 8 भी आ सकता है, ठीक है। अब इससे अगले नंबर पे नहीं जाना, हमने 10 से छोटे छोटे नंबर पे रहना, जितने भी नंबर 10 से छोटे छोटे आते हैं, एक तो आया 2, 5 और 8, अगर इसको यहाँ पर लिख देंगे तो ये नंबर 3 पर डिविजिबल होगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये है, आपने फिर इसको एक्स्ट्रा वर्क में कर लेना है, 1 + 2 + 6 + 4 + 1, इसके बारे में कहता बताओ ये 3 पर डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 2 3 + 6 9 + 4 13 + 1 14, देखिए 14 3 पर डिवाइड होता है,
नहीं होता तो फिर 14 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 15 का 3 पर डिवाइड होता है 3 5 का 15, तो यहां पर क्या आ सकता है 1। जो नंबर यहां पर लिखा है इसमें 3 और ऐड करें क्या आता है 4। अगर यहां पर 4 लिखते 4 प्लस 14 हो जाएगा 18, वो भी डिवाइड होता है 4, 4 में 3 ऐड करें कितना आ जाता है 7। ठीक है, 7 भी यहां पर लिखा जाता है, 14 प्लस 7 करेंगे तो आंसर आ जाता है 21, और 21 जो है वो 3 पर डिविजिबल है। 7 में 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10, लेकिन मैंने आपसे कहा आपने 10 से छोटे छोटे नंबर्स बस यहां पर लिखने हैं, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब ये भी हो सकता था, लेट्स सपोज अगर आप इनको ऐड अप करते तो यहां पर डायरेक्ट बन जाता 15, लेट्स सपोज यहां पर क्या बन जाता 15, तो देखो 15 जब 3 पर डिविजिबल है तो फिर हमें यहां पर कौन सा नंबर लिखना पड़ना था, इसमें प्लस 0 कर ले तो वो 15 का 15 ही रहेगा, तो हमने कहना था यहां पर 0 लिख सकते हैं, फिर 0 आना था 3 6 और 9 ये वाले डिजिट आने थे। ठीक है, इसका पार्ट ए और सी मैंने कर दिया, चलिए मैं एक और पार्ट कर देता हूं इसका। इसका पार्ट बी भी मैं कर देता हूं। लिखा हुआ है 8 6 3 4। जी बेटा, इसमें देखिए आप इन सभी को ऐड करते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क में जाएगा, 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 क्या आंसर आता है 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 प्लस 4 21। तो देखिए 21 इटसेल्फ जो है वो 3 पर डिविजिबल है, तो हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इट मींस 21 में 0 ऐड करें तो 21 देगा, यहां पर क्या आ सकता है 0 फिर 3, मैंने कहा 3 ऐड करते रहना, 3 में 3 ऐड किया 6 और 9, सिर्फ और सिर्फ ये वाले नंबर्स हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, होमवर्क आपके लिए क्या है इसका, आप लोगों ने क्वेश्चन 1 के पार्ट मैंने 2 किए थे, आप बाकी 2 करेंगे बी और डी, और क्वेश्चन 2 का एक पार्ट मिस कर दिया, ए बी सी मैंने कर दिया, डी आप लोग करेंगे, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत आसान सी बात है, ऐसा नंबर जिसके लास्ट पर 0 या ऐसा नंबर हो जो 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो पूरा का पूरा नंबर 2 पर डिवाइड होता है, ये हमने यहां पर देख लिया, ये लास्ट नंबर 2 पर डिवाइड होता है हमने कह दिया यस इट इज डिविजिबल बाय 2, अगर लास्ट नंबर नहीं होता डिवाइड तो हम कहते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। और 3 के लिए क्या चेक करना है, 3 के लिए ये है कि अगर सात नंबर के हर एलिमेंट को अलग अलग लिख के ऐड अप कर दें, अगर वो नंबर जो बनने वाला है वो 3 पर डिवाइड हो सकता था हम कहेंगे तो वो पूरे का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये मोस्टली आपके पास एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।